हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने एक नए वीडियो में। और फाइनली मैंने आपको बताया था पहले की वीडियोस में कि देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है जो इस बार होगा, इसको लेकर के बैठक होगा, सीनेट की बैठक होगी, बोर्ड मीटिंग की बैठक होगी बोर्ड मेंबर्स की, और इसके बाद डिसीजन हो जाएगा कि इस बार का जो एडमिशन प्रोसेस है वो टेस्ट के बेसिस पे लिया जाएगा या फिर क्लास 12th के नंबर के बेसिस पे रहेगा। फाइनली बैठक कल मंडे था, कल बैठक हो चुका है, आज ट्यूसडे है, और इसको लेकर के पेपर में आज सुबह सुबह के पेपर में सारे जगह इस चीज को सर्कुलेट कर दिया गया है कि जो एडमिशन का प्रोसेस है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वो किस प्रकार से होगा। तो यदि इस बार भी यदि इस बार आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, मीन्स करने का मतलब आप ग्रेजुएशन का कोर्स मीन्स करने का मतलब या क्लास 12th के बाद की जो पढ़ाई है अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या इसके टॉप कॉलेज है, कितना एडमिशन का चार्ज लगता है, क्या एडमिशन का प्रोसेस है, पूरी राम कहानी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, कहीं भी मिक्स नहीं होने देंगे और सारी चीजों को आपको समझा देंगे। आज ये कह सकते हैं आज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है ये वाला आपने वीडियो देख लिया सारा कहानी समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहली बात एकदम स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहली बात, पाटलिपुत्र का मतलब होता है पीपीयू, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, और ये बेसिकली यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो विश्वविद्यालय है, ये कब बना, 2018 में बना, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, ये राजेंद्र नगर में है, ये कहाँ है, राजेंद्र नगर में। अब तीसरी बात, पहली बात हो गई, दूसरी बात, तीसरी बात समझिए, ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें कुल मिलाकर के 67 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, मतलब सरकारी कॉलेज इसके कितने, 67 है। आप जो क्रॉस कीजिएगा यानी आप जो ग्रेजुएशन पढ़िएगा, इसको हम लोग अंडर ग्रेजुएट कहते हैं, मीन ग्रेजुएशन पढ़ना यानी क्लास 12th के बाद का कोर्स। और इसमें आप या तो हो सकता है आप रेगुलर कोर्स करें, मतलब बीए करना चाह रहे होंगे या बीएससी करना चाह रहे होंगे या फिर आप बीकॉम करना चाह रहे होंगे, ऐसे कोर्स कहलाते हैं रेगुलर। और अगर आप वोकेशनल कोर्स का मतलब अगर आप बीबीए करने का प्लान किए हो, अगर आप बीसीए करने का प्लान किए हो, अगर आप बायोटेक करने का प्लान किए हो, बीएससी आईटी है, बायोकेमिस्ट्री है, बैचलर इन वाटर एंड मैनेजमेंट है, बहुत सारा कोर्स है, अगर ये सब आप करना चाहते हैं तो ये वोकेशन वाले आप हैं, अदरवाइज आप किसमें हैं, अगर आप रेगुलर वाले हैं। चलिए, रेगुलर में करना रहे या वोकेशन में करना रहे, आप पढ़िएगा कहां, इसके कॉलेज में पढ़िएगा। कितना कॉलेज है, 67 कॉलेज इसके अपने हैं। इसमें से टॉप कॉलेज कौन कौन सा है, नंबर वन कॉलेज जिसका पटना में नाम है, पटना क्या, इंडिया में जिसका नाम है, ऐसे कॉलेज में नाम आता है एएन कॉलेज का, ऐसे कॉलेज में नाम आता है कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, ऐसे कॉलेज में नाम आता है जेडी वुमेन्स कॉलेज का। सेकेंड टॉप कॉलेज के बारे में बात करें तो टीपीएस कॉलेज, इसके साथ बीडी कॉलेज, इसके साथ अरविंद महिला, इसके साथ क्या है, इसके साथ एक कॉलेज का नाम जिसका और लिखता हूं, ये अपना हो गया गंगा देवी। इस तरीके से मैं लगभग 7-8 टॉप के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। और नॉर्मल तो लिस्ट से आपको कैसे देखना है, हालांकि टॉप टॉप कॉलेज कौन सा है जैसे रिलेटेड और भी एक वीडियो बनाए थे, वो वाला वीडियो में लास्ट में लगा देंगे। तो मंडे को ये सारा जो एडमिशन प्रोसेस है, मतलब जितना भी सारा कॉलेज है इसमें एडमिशन प्रोसेस को लेकर के जो बोर्ड मेंबर्स है इसकी बैठक हो चुका है, और बैठक करने के बाद ये डिसीजन दे दिया गया है कि भाई जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो किसके बेसिस पे होगा, क्लास 12th के परसेंटेज के बेसिस पे होगा। क्या होगा, चलिए पेपर वाला अपडेट जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या कहता है पेपर का अपडेट। सो देख सकते हैं, ये रहा पेपर का अपडेट, मतलब जो बैठक हुआ, तो बैठक करने के बाद डिसीजन ले लिया गया, क्या डिसीजन हुआ है देखते हैं। तो क्या क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है नई आरक्षण नियमावली के तहत 75% आरक्षण के प्रावधान किए गए। क्या है पूरा बात भाई, पूरा बात देखते हैं क्या क्या लिखा गया है, यानी जो बोर्ड मीटिंग का जो बैठक हुआ है इसमें क्या क्या बात पर डिस्कस हुआ है देखते हैं। इसके साथ देखिए क्या क्या बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत में तो इसमें देखिए क्या क्या मेंशन किया गया, पढ़ते हैं आपके साथ में। मेंशन किया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 2 मई से स्नातक नियमित व व्यावसायिक, नियमित करने का मतलब क्या हो गया रेगुलर, और व्यावसायिक करने का मतलब हो गया वोकेशनल। तो रेगुलर क्या होता है, वोकेशनल क्या होता है बता दिए हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट हो जाएगी, 2 मई से, यानी अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, मतलब इसके अगर सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना रहे तो 2 मई से अप्लाई करने का प्रोसेस है, और सारा प्रोसेस यानी 30 जून तक सारा कहानी खत्म कर दिया जाएगा। यानी अप्लाई करने का प्रोसेस मई में हो रहा है, मतलब 2 महीना में मई जून मिलाकर के सारा एडमिशन खत्म कर देना है, और इसके बाद फाइनल क्या होगा, फिर क्लास चलना स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है वो जुलाई में हो जाएगा। क्या कहा गया जल्दी से पूरा पेपर पढ़ते हैं।
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 2024-28 यानी चार साल का ग्रेजुएशन है। मैंने पहले के वीडियो जो बताया है चार साल का ग्रेजुएशन क्या होता है, वो भी वीडियो में लास्ट में लगा दूंगा, सारा बात समझ में आ जाएगा। चार साल पढ़ना है तो चार साल पढ़िए, तीन साल पढ़ना है तीन साल पढ़िए। में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 मई से प्रारंभ हो जाएगी और इसके बाद इसको लेकर के देखिए सोमवार को, देखिए यहाँ पे एक वर्ड में आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सोमवार को कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह की इसकी अध्यक्षता में इसकी बैठक हो गई और बैठक हो चुका है नामांकन का और फाइनली ये डिसीजन हो गया कि भाई जो नामांकन की प्रक्रिया है जिसमें कितना सीट है 1,20,000 पाटलिपुत्रा के 67 कॉलेज में 1,20,000 सीट है, तो सीट की कोई कमी नहीं है। और इसमें एडमिशन किस बेसिस पे होगा, इंटर के अंक के आधार पर, यानी जिसका जितना ज्यादा परसेंटेज उसका उतना चांस एडमिशन होने का, मतलब टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं है तो टॉप कॉलेज का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, कितना जाएगा आगे बात करेंगे। तो ये जो इस बार एडमिशन होने वाला प्रोसेस ये किस पे होगा, इंटर का जो नामांकन है वो जो ये ग्रेजुएशन का नामांकन है वो किसके आधार पे होगा, इंटर के मार्क्स के बेसिस पे क्या होगा होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ जो बिहार में जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुआ है 75% वाला, उसके बेसिस पे होगा। चलिए ये वाला पेपर वाला बात से बहुत सारा बात आप समझे भी होंगे, बहुत सारी बात आप नहीं भी समझोगे, इसलिए मैं बोर्ड पे अच्छे से समझा देता हूं। तो सबसे पहली बात अच्छे से बात करते हैं, पहली बात अप्लाई करने का प्रोसेस 2 मई से है, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना रहे अप्लाई 2 मई से क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई करने के टाइम में याद रखना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है और अप्लाई करने के टाइम में ये चीज जो मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब सबसे पहले होता है अप्लाई करने के बाद दूसरा काम होता है मेरिट लिस्ट आता है और मेरिट लिस्ट में आपको चेक कर लेता हूं, मेरिट लिस्ट 3 लिस्ट आएगा, पहला लिस्ट दूसरा लिस्ट तीसरा लिस्ट, जैसे आप क्लास 11 में एडमिशन लेते हैं ओएफएसएस के थ्रू उसी तरीके से। तो देख लीजिएगा अगर आपका पहला लिस्ट में नाम आएगा जिस कॉलेज में जाएगा उस कॉलेज में एडमिशन नहीं है, हो सकता है पहला लिस्ट में नहीं है दूसरा में है, हो सकता है दूसरा में है तीसरा में है, जिस भी लिस्ट में आएगा आप उसमें क्या कर लीजिएगा एडमिशन ले लीजिएगा। तो अप्लाई करने का प्रोसेस 2 मई से स्टार्ट है। अगर बात करें अप्लाई करने के टाइम में जो डॉक्यूमेंट है ये क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो अप्लाई करने के टाइम में आपका फोटो आपका क्या लगेगा आपका सिग्नेचर, आपका क्या लगेगा आपका 10th का मार्कशीट, आपका क्या लगेगा आपका 12th का मार्कशीट लगेगा, इसके साथ आपका क्या लगेगा आपका अप्लाई करने के टाइम के बारे में बात करें, ठीक है, आपका लगेगा CLC और इसके साथ अगर आप कोई रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और जो जनरल वाले हैं वो अपना EWS बना करके रखेंगे ताकि आपका कम भी परसेंटेज रहेगा, क्योंकि बिहार में क्या लागू हो चुका है रिजर्वेशन का पॉलिसी 75%, मतलब अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं या किसी रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखें, ठीक है। तो BC1 है तो BC1 वाला सर्टिफिकेट, BC2 तो BC2 और अगर जनरल है तो EWS वाला बना के रखिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट को रखिएगा और इसके बाद 2 मई से क्या कर दीजिएगा अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही अप्लाई करने का प्रोसेस होगा हम एक वीडियो फिर से बना देंगे कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और अभी इस पर बहुत सारा वीडियो बनाना है, आप कमेंट्स करते जाइएगा कि आपको कहां कहां प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो देंगे, ठीक है। तो ये जो अप्लाई करने का प्रोसेस आपने समझ गया, अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। चूंकि जो इसका पहला मेरिट टेस्ट है लगभग अप्लाई करने का टाइम आपको 20 दिन के आसपास अप्लाई करने का टाइम आपको मिलेगा, मतलब 2 मई से प्रोसेस स्टार्ट है, तो उम्मीद है कि 25 मई के आसपास में पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा, पहला मेरिट लिस्ट। तो पहला मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ जाएगा, तो जो टॉप कॉलेज मैंने बता दिया कि AN है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, JD है, ये सब फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी है, यानी स्टूडेंट इसी में एडमिशन लेना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये इंडिया का टॉप कॉलेज है। AN कॉलेज का देख लीजिएगा इंडिया के टॉप कॉलेज में नाम है, CUC कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस ये भी इंडिया के टॉप कॉलेज में शामिल है, JD भी शामिल है। टॉप कॉलेज में टॉप पेपर, दो चीजें यहाँ पे दो चीज मैं यहां लिखता हूं, एक तो अपना टॉप कॉलेज और एक अपना टॉप पेपर। टॉप पेपर करने का मतलब टॉप सब्जेक्ट जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं, जैसे साइंस में स्टूडेंट लेना चाहते हैं किसको, मैथ को, जूलॉजी को, केमिस्ट्री, जूलॉजी को, फिजिक्स को, इसके बाद बॉटनी को, इसके बाद केमिस्ट्री को, यानी साइंस वाले स्टूडेंट्स जनरली अगर ग्रेजुएशन अगर आपको साइंस में करना है तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस तरीके से करना चाहते हैं, यानी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का यानी मैथ और जूलॉजी का बहुत डिमांड है, इसका मतलब इसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। टॉप कॉलेज में टॉप पेपर के लिए कट ऑफ याद रखिएगा 85+ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट इस बार बोर्ड का बहुत अच्छा खासा रिजल्ट है, इसका मतलब अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो कट ऑफ टाइट जाएगा। तो ये क्या हो गया, मैथ जूलॉजी जैसे पेपर्स में कट ऑफ हाई जाएगा। इसी तरीके से आर्ट्स के फैकल्टी में सबसे ज्यादा कट ऑफ किस में होता है, पॉलिटी में होता है, हिस्ट्री में होता है, ज्योग्राफी में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, इसके बाद होता है हिंदी में होता है, इसके बाद इंग्लिश में होता है। तो अगर आपको ये सब सब्जेक्ट में एडमिशन है तो समझ लीजिए कट ऑफ हाई जाएगा, इसमें भी आप रख लीजिए 85% के आसपास में कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ बीकॉम में तो भाई हाई है ही है ऑलरेडी,
बीकॉम तो एक ही फैकल्टी है, इसमें आप कट ऑफ रख लीजिए 83% के आसपास में। आगे बात करते हैं वोकेशनल कोर्स, अगर आपको बीसीए में लेना है तो बीसीए में कट ऑफ तैयार रहिए 85 प्लस जाएगा। इसके साथ बीबीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसमें तैयार रखिए, टॉप कॉलेज का मैं बता रहा हूँ, और जो नॉर्मल कॉलेज है जो सेकंड टॉप है या उतना टॉप नहीं है उसमें 5% लेस कर देना। अगर टॉप कॉलेज का कट ऑफ 85 जाएगा तो नॉर्मल कॉलेज का कट ऑफ 80 जाएगा, बहुत ले लेवल का कॉलेज का कट ऑफ 75 जाएगा, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी में आपको बताया दिया, ये हो गया सबसे टॉप कॉलेज तो 85%, मीडियम टॉप 80% और टॉप नहीं है तो 75% कॉलेज भी बता दिया, ठीक है। और एक वीडियो मैंने बताया था कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से कॉलेज है, कौन टॉप है नहीं है, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, सारा बात समझ में चला आएगा। तो ये पूरा कट ऑफ का आइडिया भी दिया है, बीबीए में जो कट ऑफ जाएगा वो 83% के आसपास रहेगा। इसके साथ और भी कई सारे कोर्स है, बीएससी आईटी है, बायोटेक्नोलॉजी है, अलग से और भी वीडियो में बात करेंगे, सब एक साथ मिला देने पे वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कहिएगा कि आप हमको बोर कर दिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो भी डाउट्स होगा फटाफट कमेंट्स कीजिए और इस डाउट्स का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, सो मच, थैंक यू। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। सो मच, थैंक यू।